लगातार पंजाब दे विच किसान रेलवे ट्रैक के उपर डटे हुए ने। ऐसी फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन के कोल जिहड़ा पक्का मोर्चा लगाया होया किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने, अज 27वां दिन हैगा ते अज रेलवे ट्रैक ते हले भी जिहड़ा किसान डटे हुए ने। तुहानू तस्वीर दिखा देना चाहते हैं, पहले तुसीं तस्वीर देख सकते हो पिछे कि किसान डटे हुए ने दिन रात जिहड़ा इत्थे बैठे हुए ने ते नारेबाजी की जा रही हैगी। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, खेती कानून जिहड़े है रद्द करन दी मंग हैगी है, उस नूं लैके जिहड़ा संघर्ष आपदा तेज करदे हुए दिखाई दे रहा है। नौजवान बच्चे बजुर्ग इस धरने के बैठे हुए ने, गद्दियां उपर बैठे हुए ने, रात को भी ठंड हो जाती है। रेलवे ट्रैक उपर दिन रात में जरा इतने डटे हुए ने, अज 27वां दिन है किसानों का लगातार जरा संघर्ष वो जरा जारी है। साढ़े नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू भी है, गलबात करते हैं इन्हों कि देखते हैं वो तुम अज इजलास भी है वै कि उम्मीद हैगी तुम्हें तो हाँ नहीं इस इजलास तो सानू कोई उम्मीद नहीं। सानू यह भी पता लगा कि यह जड़ा विधानसभा के मता ही पास कर रहे हैं, कोई कानून नहीं बना रहे। असी इन्हों पहला भी किया कि सानू जड़ा इजलास के जो मता लिया रहा वे खरड़े दिया कापियां मुहैया कराइया जा, विधायकों मुहैया कराई जा, सू पता लगे भी की कर रहे हैं। पर इन्होंने कोई भी जनतक नहीं किया खरड़ा, ना इन्हों तो सानू आस आ, क्योंकि ये सिर्फ मता पा रहे हैं, कानून नहीं बना रहे जितों तक सानू पता लगा। क्योंकि पहला भी ये जिहड़े इस तरह के मते पाए हैं इन्होंने वो एस वाई एल का मुद्दा जां होर जिहड़े सीगे पंजाब दे मुद्दे वो इन्हां दी जिहड़ी आ एडवोकेटां दी टीम आ वो सुप्रीम कोर्ट दे विच हारी आ। तो हुण भी असीं चाहुंदे आ कि यह बोक्स कानून ना होवे, इहो जिहा कानून ना बनाया जावे, इहो जिहा मता ना पास किया जावे जिहड़ा कल नूं फिर सुप्रीम कोर्ट विच जाके ये सानू हार दा सामना करना पवे। असीं चाहुंदे ये कोई सार्थक वधिया कोई जिहड़ा इहदा हल कढ़न ते वधिया कानून बनाउण। किवें देखदे हैगे ओ कि तुहानूं हुण केंद्र सरकार तों उम्मीद हैगी है किसानां दी साथ लै रही है? नहीं, केंद्र सरकार तो अजे तक कोई उम्मीद नहीं, ना वो सुहिरद हैगी आ। उन्होंने तो कल ये भी एक पासे तो किसान संघर्ष कर रहे आपदी जमीन बचाने वास्ते, आपकी मंडी बचाने वास्ते, तो दूजे पासे जिहड़े उन्होंने बड़ी बेशर्मी जिहड़ा कल डी ए पी खाद का 50 रुपये जिहड़ा रेट आ वह वधाता, वधा के किसान ते होर बोझ पाता, जदों के पहला ही किसान जिहड़ा आर्थिक तंगी कारण ते कर्जिया कारण जिहड़े आ फसलों के भाव ना मिलने कर खुदकुशियां कर रहे। पर उन्होंने जिहड़ा कल जिहड़ा जख्म किसानां दे जख्मां उत्ते लूण छिड़कण दा कम किया 50 रुपये डी ए पी खाद का जिहड़ा उन्होंने रेट वधा के। तो दूजे पासे सानू अजे तक जिहड़ी केंद्र सरकार आ सुहिरद नज़र नहीं आ रही भी इहदा कोई सार्थक हल कढ़े। पर असीं भी आपदा पूरे डटे हुए हाँ, असीं उन्ना चिर संघर्ष जारी रखांगे जिन्ना चिर इन्हां दा आर्डीनेंसां दा इहदा खात्मा नहीं हो जाता। किवें देखते हो हुण तुहाडी कोर कमेटी की मीटिंग कदों हैगी, अगली रणनीति की तैयार की है? हाँ ये पहला साडी कोर कमेटी की जिहड़े सूबा कोर कमेटी की अज मीटिंग लगनी सी, उहदे विच फैसला लिया जाणा सी, पर इन्हां ने जदों अजलास नूं एक दिन वधाता 20 तक करता। असी जिहड़ी सूबा कमेटी की मीटिंग आ वह 21 अपने अक्तूबर नूं जिहड़ी लग रही है, उहदे विच फैसला होगा भी की अगला संघर्ष किस तरह करना जां किस तरह तेज़ करना। तो दूजी गल ये भी जिन्ना चिर ये मसले का कोई हल नहीं रहा उन्ना चिर असी मोर्चे छड़न वाले नहीं, तो यदा बकायदा तौर पर जिहड़ा कल वाली मीटिंग का वो ऐलान असी 22 तरीक नूं इत्थों करांगे। बिल्कुल, जे देखा जाए तो लगातार संघर्ष तेज़ करन दी गल कीती जा रही हैगी, अज इजलास हैगा तो इहदे विच देखिया जा देखणगे किसान की सरकारां करदियां हैगियां ने, की निकल के सामने आता हैगा। तो ये 22 तरीक नूं जिहड़ा नवां ऐलान करनगे कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद जिहड़ी की रणनीति बनती हैगी इह तां आने वाले समें दे विच पता लगेगा। कैमरा परसन नरेश के नाल सनी चोपड़ा, लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब, फिरोजपुर।